हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया, मस्त, मज़े में। तो गाइस, हाँ, 2-3 दिन से शायद वीडियो नहीं डाला मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा पजल था काम में। और सबसे बढ़िया बात यार, अभी रिसेंटली हमारा टीम का डांस वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे 60 लाख व्यूज़ पे गया था, तो बहुत खुशी हुई यार। और भाई, कुछ कुछ जने ना ये कह रहे कि अब क्या तेरा भूत उतर गया मनीषा जी से मिलने का। हाँ, अब तो तू नहीं मिलना चाहता होगा, क्योंकि तेरा जो भी आँख था वो तो पूछ गया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ हर जगह उनसे कांटेक्ट करने की, उनकी टीम से कांटेक्ट करने की, लेकिन शायद अभी तक कुछ मिला नहीं मेरे को ऐसा कोई, लेकिन अभी तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। लेकिन तुम्हारा भाई ना रुकेगा नहीं मनीषा जी, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मिल के रहूँगा आपसे। तुम चाहे कोई कुछ भी खेलो, चाहे मेरे को पागल समझो या फिर कुछ भी कहो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, नहीं पड़ता। क्योंकि प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा है, गाली देने वाले एक दो है, लेकिन प्यार करने वाले 100, 200, 500 जने हैं, ठीक है? तो बस यही देख के भाई ऐसा लगता है कि हाँ कर सकते हैं अपन। हाँ, विशाल भाई ने स्टोरी देखा है तो वीडियो देखा होगा, तो शायद वो रिस्पॉन्स देंगे, या हो सकता है कि वो बिजी है, क्योंकि यार मैं अपनी लाइफ के ऊपर भी लेके चलूँ ना, तो मेरे को कम टाइम मिल पाता है दोस्तों से ही मिलने का, जिसमें तो मैं अभी कुछ नहीं हूँ भाई, समझ लो। लेकिन वो तो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत अच्छे सेलिब्रिटी है बड़े, तो उनको तो अभी टाइम नहीं मिलता होगा, तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा अपन को। लेकिन ट्राई करते रहेंगे, बहुत जल्दी जाऊंगा मुंबई, 15-16 को कहा था आपको, तो वहाँ जाके देखते हैं, ट्राई करते हो। घर पे कोई नहीं आज, अभी सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर थोड़ी सी बात करेंगे आप सबसे वापस। खाने में दाल दाल रोटी, दाल रोटी का मज़ा। कुछ लोग ना ये मनीषा जी को लेके, मेरे को लेके बहुत ऐसे, मतलब उस वे में ले जा रहे बात को, प्यार वाली बात पे, कि यार भाई से तो प्यार करता हूँ, उनसे बहुत पसंद है तेरे को, भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी। यार ऐसा मत करो यार, समझ रहे हो, इस चीज़ को ऐसा मत समझो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो है तुम्हारा, मतलब ये तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग है। और तुम अगर इस चीज़ को ज़्यादा फैलाओगे तो ये बाहर घूमेगी बात, जिससे उनके लिए ही वो चीज़ गलत दिखाई जाएगी। क्योंकि क्या ना, कुछ लोगों को एक पॉइंट चाहिए छोटा सा, समझ रहे हो, अभी का जो सीन चल रहा है ना उनके लाइफ में, तो हेटर्स क्या है ना, एक मौका ढूंढते हैं बस, एक पॉइंट छोटा सा उनको डाउन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें अपन को नहीं बोलनी चाहिए। मैं एक फ़ैन हूँ उनका, और एज ए फैन उनसे मिलना चाहूँगा, 1-2 मिनट लास्ट, और एक फ़ोटो बस, उसके बाद भी लाइफ में उनको आगे सपोर्ट करेंगे। लेकिन प्लीज़ यार, इसको ये मत बोलो इसमें, बाकी अगर तुम करते हो तो तुम बोल सकते हो मेरे को, ठीक है, इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मिलते हैं किसी दिन, कल परसों कभी भी, हाँ कल, कल पक्का मिलेंगे वापस, ठीक है। जय श्री राम।